इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इसराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर कई इमारतों को खंडहर बना दिया। अभी तक दोनों ओर से 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। अस्पताल जो है वो घायलों से पटे पड़े हुए हैं। इसी बीच गाजा पर लगातार हमले करने वाले इसराइल ने एक बड़ा फरमान भी जारी कर दिया है। इसराइल की सेना ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर आम लोग उत्तरी गाजा को खाली करके दक्षिण की ओर चले जाएं। इसराइल की इस चेतावनी के बाद ये अंदेशा हो गया है कि वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल गाजा के नागरिकों के सामने यही है कि वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इसराइल है, और जो छोटी सी एक सीमा इजिप्ट की है उसने भी अपनी सीमा को बंद कर रखा है। तो ऐसे में गाजा के लोग जो आम नागरिक हैं, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी तरीके के आतंकी हमले में शामिल नहीं है, वो आखिर जाएं तो जाएं कहां, अपना घर बार को छोड़कर, अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर। इसराइल की चेतावनी के बाद हमास ने भी पलटवार किया है। उत्तरी गाजा खाली करने को लेकर इसराइल के अल्टीमेटम को हमास ने फेक प्रोपेगेंडा कहा है। हमास का कहना है कि फिलिस्तीनी नागरिक इस जाल में ना फंसे। हमास ये भी कह रहा है कि गाजा निवासी अपने घर में ही रहें, अल्टीमेटम के झांसे में ना आए। तो इसराइल की चेतावनी को फेक प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है हमास की तरफ से, और हमास ये भी कह रहा है कि फिलिस्तीनी नागरिक कहीं ना जाएं, इस जाल में बिल्कुल ना फंसे, अपने घर में ही रहें। हालांकि इसराइल की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है और कह दिया गया है कि उत्तरी फिलिस्तीन को, उत्तरी गाजा को आप खाली करके दक्षिण एरिया में, इलाके में चले जाइए। तो देखिए, इसराइल वर्सेस हमास, नॉर्थ गाजा को खाली करो। उधर इसराइल की चेतावनी को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है हमास की तरफ से, हमास की लीडरशिप की तरफ से। हालांकि आतंकी संगठन इसको करार दिया गया है हमास को। 11 लाख फिलिस्तीनी दक्षिण में जाएं, फिलिस्तीनी नागरिक डटे रहें। ये नॉर्थ गाजा में जो टक्कर चल रही है वो उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए खाली करें अपने घर फिलिस्तीनी। उधर हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी इस झांसे में ना आए और अपने घरों में ही बने रहें। सवाल भी बहुत गंभीर है, और सवाल गंभीर इसलिए हो जाता है कि अपना घर बार छोड़कर एक अटैची में अपने चंद कपड़े लेकर जाएं तो जाएं कहां। और इस समय इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमों के हमले किए जा रहे हैं। 6 दिनों में 6000 बम गिरा दिए गए हैं। जो गाजा पट्टी का पूरा इलाका है वो धुएं के गुबार से अटा पड़ा हुआ है।